तो चलिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो से लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा यानी कि लेबर स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022, तो यहाँ पर सभी को पैसे मिलने वाले हैं। और कितने पैसे मिलेंगे और कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट अभी तक लगभग इसका नोटिफिकेशन ही आया है, लगभग देखते हैं जारी हुआ है कि नहीं हुआ है। बाय द वे नोटिफिकेशन आ रखा है, बहुत ही जल्दी ये जारी होने वाला है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी है वो 31/3/2022 रखी गई है, यानी कि अभी लगभग 6 महीने तक आप ये लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी यहाँ पर कोई भी फीस देनी नहीं पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ीस की। बात करें इस उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य यह है, पंजीकृत काम करो के बच्चों को पहली कक्षा में से डिप्लोमा डिग्री स्नातक अदरवाइज स्नातकोत्तर आदि कक्षा 8,000 से 20,000 रुपये तक वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना राशि 1 से 8वीं कक्षा छात्र को 8,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा और ITI वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। बात करें डिग्री यहाँ पर UG कोर्स की, तो यहाँ पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। बात करें PG कोर्स यानी कि मास्टर डिग्री, तो 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। बात करें इस सहायता देने की शर्तें क्या हैं, पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए, यानी कि पंजीकृत में 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। छात्र या छात्रा के स्कूल संस्थान से नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए हो, इस संदर्भ में स्कूल संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, यानी कि आप जहां पढ़ रहे हैं अभी करंट में, आपको वहां से जारी किया एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। केवल वही छात्र हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं इस वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, यानी कि सिर्फ हरियाणा वाले ही ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 2 बच्चों तक देई होगी, यानी कि सहायता सिर्फ 2 बच्चों तक देई होगी, लेकिन बच्चों का कर्म ना देखने हुए 3 लड़कियों तक देई होगी। विद्यार्थियों के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। जो छात्र समय रोजगार या नौकरी पा रहे हैं वह इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ये लाभ नहीं होगा। बात करें यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ आपको, आपकी एक लेटेस्ट फ़ोटो जो करंट में आपकी पिक्चर है वो चलनी चाहिए, सिग्नेचर, लेबर कॉपी, हरियाणा लेबर कॉपी, 10th और 12th या फिर मार्कशीट जो भी आपका कर रखा है, बैंक कॉपी, आधार कार्ड, फादर का यहाँ पर एक अगर नहीं है तो BPL राशन कार्ड, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट या फैमिली ID चलेगा। यहाँ पर परमानेंट मोबाइल नंबर, मेल ID होना चाहिए और परमानेंट एजुकेशनल क्लासेस ID कार्ड भी होना चाहिए। बात करें कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर आप लोगों ने पहले से लॉगिन कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बाय द वे अगर आप लोग नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो बाय द वे आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी से न्यू यूज़र रेफर टू ई सर्विस, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कई तरीके से आप यहाँ पर भी अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप लोगों ने पहले फिलअप किया है तो आप लोग जाके यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। अब बात करें इन केस लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर देन 16 डिजिट प्लीज़, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से सारी डिटेल पढ़ लेनी है। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर लेबर लो दिख रही होगी, तो आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं। तो बाय द वे अभी कुछ टाइम है, जल्दी जल्दी अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, कुछ ही टाइम के बाद ये स्टार्टिंग हो जाएंगे और इसे बिल्कुल आसानी से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है इस फॉर्म को फिलअप करना। तो देखिए दोस्तों, कुछ ही टाइम के बाद होने वाला है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो लोग डिजिटल या CSC ID ले रखे हैं, डिजिटल इंडिया, क्योंकि यहाँ से ये सीधा
वही लोग इन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बाहर से ही फिलअप करवाना पड़ेगा। तो आई होप गाइस फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।